और कुछ सवालों के जवाब हम ले लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ मनीष जुड़े हैं। मनीष, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरे पास हम IOC के शेयर हैं, 388 के प्राइस से 250 शेयर लिए हुए मैंने, इसके बारे में पता करना शॉर्ट टर्म के लिए। आपको मुनाफा हो रहा है, कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं मनीष? मैम शॉर्ट टर्म 1 मंथ मैक्सिमम। 1 मंथ, ओके। न्यूज फ्लो भी काफी आ रहा है ऑयल सेक्टर को लेकर, और आज भी IOC भी एक न्यूज ही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि करीब 4% की मजबूती के साथ ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा मुनाफा इनको भी यहाँ पर हो रहा है। मानस, आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे, इन्होंने IOC के शेयर्स लिए हैं, क्या राय होगी इस पर आपकी? अच्छी मजबूती आज देखने को मिल रही है स्टॉक में। देखिए, IOC में दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमने एक स्मार्ट रैली देखी थी, 290 से 400 तक का अपमूव देखने को मिला था। उसके बाद करीब 7-8 वीक्स का कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज फिर से 400 ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि एक फ्लैग ब्रेकआउट है, और इसके टारगेट तो काफ़ी डिसेंट आते हैं। अगर हम एक टेक्निकल टारगेट सेट करें तो वो करीब 450 और 460 के बीच में आते हैं। बट जैसे उन्होंने बताया कि 15-20 दिन ये होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरी राय में 420 के टारगेट सेट करके चले, और अब अपने इनको अब इनको चाहिए कि अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 374 के आसपास कर लें। जी, IOC डे हाई पे कामकाज कर रहा है, और साथ साथ फर्टिलाइजर स्पेस देखिए, वो भी डे हाई पे कामकाज करते हुए, चाहे आप GSFC देखिए, चंबल देखें, दीपक देखें, पूरे फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर दोबारा एक स्टीम आते हुए दिखाई पड़ रही है, और दिन के ऊपरी स्तरों पर सभी फर्टिलाइजर शेयर पहुंच चुके हैं। GSFC आपके सामने एक तेजी, चंबल फर्टिलाइजर 7% ऊपर आ चुका है, और दीपक फर्टिलाइजर भी दिन के ऊपर आ चुका है, GNFC भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। आज कैबिनेट की बैठक है, यूरिया प्राइसिंग को लेकर फैसले हो सकते हैं, और उससे ठीक पहले फर्टिलाइजर स्पेस में खरीदारी देखी जा रही है। बातचीत करते कुछ और दर्शकों से भी, हमारे साथ ललित है, हैदराबाद से मौजूद है। ललित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार ललित जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। आपने दोनों शेयर खरीद रखे हैं, खरीदना चाहते हैं? जी जी खरीद रखे हैं। किस भाव पे ललित जी, किस भाव पे? इंटरनेशनल लिया है। ओके, और स्पाइस जेट? 64 पे। जी चलिए, दोनों ही शेयरों में आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, करीब करीब 40% अगेन आप ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं दोनों से ही, अच्छी रणनीति में आपने निवेश किया है। मानस, एक स्पाइस जेट के चार्ट देखें, और एक आप देखिए मिर्जा इंटरनेशनल के, किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए इन दोनों शेयरों में? अच्छा मुनाफा इन दोनों में इनको मिल रहा है। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल की जहाँ तक बात है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लगने लगा है, क्योंकि हमने एक स्मार्ट रैली 70 रुपये से 100 रुपये तक जरूर देखी थी, उसके बाद से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स डेली चार्ट में दिखने लगे हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है, और ऐसा लगता है कि शायद ये करेक्शन थोड़ा सा डीप और होगा, करीब करीब 80 रुपये या 82 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर नजरिया बड़ा है, अगर 8 to 10 months होल्ड कर सकते तब तो बने रहे, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो उछाल मिले और 88 के आसपास स्टॉक आ जाए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। अब यहां पर फ्रेश लॉन्ग ट्रेडिंग के लिहाज से तभी बनाने हैं जब स्टॉक 95 के ऊपर क्लोज हो। स्पाइस जेट की जहाँ तक बात है, बहुत क्लियर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स चार्ट्स में देख रहे हैं, और जितने भी एविएशन स्टॉक्स हैं वो चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। अगर हम स्पाइस जेट की बात करें तो 115 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए सेट करके चले, और अपने स्टॉप लॉसेज 94 के नीचे लगाएं। ओके, तो स्पाइस जेट में स्टॉप लॉस 94 के नीचे लगाकर रखने की राय, और मिर्जा इंटरनेशनल अगर 88 पर ये स्टॉक पहुंचे तो वहां से एग्जिट कर लें। अगले कॉलर हमारे साथ रेवरी से जुड़े हैं, राजेश। राजेश हेलो, पूछिए अपना सवाल। मैं MCC खरीदने से पहले 85 रुपए में 200 शेयर, फिर बाद में 81 रुपए में और खरीदे 100 शेयर। कब तक आप होल्ड कर सकते हैं इसे? तो होल्ड कर सकते हैं एक महीने दो महीने तक। महीने दो महीने का व्यू है आपका, ठीक है, नुकसान आपको हल्का हो रहा है। गौरांग, NCC के इन्होंने 200 शेयर्स दिए हैं, और एक दो महीने के लिए इनका व्यू है, ये एक दो महीने तक स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्या राय होगी इस स्टॉक पर आपकी? पूजा, पहले तो इनको मैं ये राय दूंगा कि आपका नजरिया छोटी अवधि का है, तो उस लिहाज से आपको सेक्टर चुनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि छोटी अवधि के नज़रिए से अगर आपने किसी भी सेक्टर में शेयर पसंद किया तो वो आपको मुनाफा देगा। अब NCC कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज में काम करता है, और वहाँ कर अगर आप नज़रिया लंबी अवधि का रखते हैं तो ये बेहतर होगा। एज ए डिस्क्लोजर पूजा, हमारी पॉजिटिव कवरेज है, लेकिन वो साल डेढ़ साल के नज़रिए से है, और लक्ष्य करीबन 98 से लेकर के 110 का है,
तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि कौन सा सेक्टर ये पसंद करते हैं छोटी मध्यम और लंबी अवधि के नजरिए से। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई है आप, लेकिन अगर हाँ लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो आपको टारगेट्स भी बताए हैं गौरांग ने कि आप क्या टारगेट्स इसमें देख सकते हैं। 81-82 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे कंपनी की है। नितिन हमारे साथ मौजूद है, अगला दर्शक। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास आदित्य बिरला नोवो का शेयर है, 5 शेयर 2300 पर लिए हुए हैं। 5 शेयर आदित्य बिरला नोवो के आपने ले रखे हैं 2300 रुपए के दाम पे। उसके बदले में फैशन डिटेल दिए थे ना कुछ बोनस में। ओके, आदित्य बिरला फैशन के जो डीमर्ज आपको शेयर थे वो मिले हैं। और सर दूसरा ये पूछना था कि शंकरा जो आईपीओ है उसके लिए कैसा रहेगा अगर होल्ड करके रखे तो। कौन सा दूसरा शेयर आपने कौन सा बोला? सर शंकरा आईपीओ आ रहा है जो, शंकरा बिल्डवेल का जो आईपीओ है। ओके 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 गौरांग, एक सवाल तो आदित्य बिरला पर है, आदित्य बिरला नोवो के इनके पास शेयर्स हैं और इन्हें एडजस्टमेंट में जो स्पिन ऑफ हुआ था जनवरी 2016 में उसमें इन्हें आदित्य बिरला फैशन के भी शेयर मिले हैं, इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए? और दूसरा जो शंकरा बिल्डवेल का आईपीओ है जो रिसेंटली आईपीओ क्लोज हुआ है उस पर आप क्या रणनीति रखते हैं, क्या करना चाहिए अगर इनके पास इन्हें अलॉट हो जाते हैं तो क्या करें, और अगर लिस्टिंग होने के बाद निवेश करना चाहें तो क्या करें? तो सुमित, आदित्य बिरला नोवो ए बी नोवो पर लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहें हमारी खरीदारी की राय है, और बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है दोनों कंपनियों में, ग्रासिम ए बी नोवो और उनकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं उसमें। अब इस सब रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के हमें लग रहा है कि ग्रासिम और ए बी नोवो का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, और मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है अलग अलग रणनीति के आधार पर आगे कामकाज बढ़ाने के लिए। तो पहले तो ए बी नोवो में लंबी अवधि के नज़र से बने रहें। शंकरा बिल्डकॉन का जो आईपीओ आया था वहाँ पर ना तो हमने हमारा कवरेज आईपीओ नोट के द्वारा निकाली थी, लेकिन इनका सवाल अगर ये है कि क्या लिस्टिंग के अगर इनको शेयर मिले हैं और अगर लिस्टिंग के ऊपर इनको मुनाफा मिलता है तो मुनाफा बांधना चाहिए, तो जाहिर है भाई साहब अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही पैसे लगाएं और अगर लिस्टिंग गेंस को दिख रहे हैं आप और लिस्टिंग के दिन पर अगर मुनाफा अच्छा खासा मिल रहा है तो बांध करके निकल जाना चाहिए। चलिए, तो ए बी नोवो को में बने रहने की राय, और शंकरा बिल्डकॉन में भी अगर मुनाफा हो चुका है तो वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, महावीर। महावीर पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। सर मैं महावीर इंदौर से बोल रहा हूँ। ये 18 शेयर ले रखे हैं डॉक्टर लाल पेट लेकर। ओके, 1118 रुपये। काफी भारी नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है, कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं महावीर? सर मेरे भाव कब तक आएंगे आप तो ये बता दीजिए, मैं तब तक होल्ड कर लूंगा। अच्छा ठीक है, हम मानस से सवाल ले लेते हैं। इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब के शेयर्स लिए हैं और 1118 के इनकी खरीद है, और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रहा है, ये तब तक होल्ड करने के लिए रेडी है जब तक इनके भाव या फिर हल्का मुनाफा इनको ना दिखने लगे, तो क्या राय होगी मानस से स्टॉक पर आपकी? पूजा देखिए, बहुत हिस्ट्री नहीं है स्टॉक की, तो इस पर कोई लंबी नज़रिए लंबा टाइम फ्रेम का व्यू देना मुश्किल होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में चार्ट्स पे अभी भी स्टॉक वीक लगता है, और ऐसा लगता है कि शायद ये करेक्शन अभी और डीप होगा, 890 और 860 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और ये स्टॉक अब बुलिश रिवर्सल तभी दिखाएगा जब स्टॉक 990 के ऊपर क्लोज होगा। तो अगर लंबी टाइम फ्रेम इनके पास है तो मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल व्यू लेना बेहतर रहेगा। टेक्निकली चार्ट्स पे स्टॉक अभी भी वीक लगता है, और ऐसा लगता है कि करीब करीब 50-60 रुपये का करेक्शन हमें और भी देखने को मिलेगा। जी, तो थोड़ी ऊपरी स्तर पर खरीदारी है, आप अगर छोटी अवधि नजरिया रखते हैं तो उसके हिसाब से रणनीति रखें, लेकिन अदरवाइज लंबी अवधि में ज़्यादातर ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट है वो खरीदारी के लिए ही यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सैंडी हमारे साथ मौजूद है गुजरात से। सैंडी जी नमस्कार। गुजरात से बोल रहा हूँ सर। जी सैंडी जी, कहाँ से बोल रहे हैं गुजरात में? सर मोदी का जो अलॉटमेंट हुआ ना सीएल एजुकेटर का। अच्छा, सीएल एजुकेटर। हाँ, उसमें हाँ सर एक अलॉटमेंट हुआ है 29 शेयर का, तो मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर? आपने जब निवेश किया था तब क्या लिस्टिंग गेन के हिसाब से निवेश किया था फिर लंबी अवधि के हिसाब से? नहीं, एक्चुअली प्रॉफिट मिला तो निकलने के हिसाब से ही किया था, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिल पाया इसलिए पोजीशन फंस गई। ओके गौरांग, सीएल एजुकेयर का इनको अलॉटमेंट हुआ, 29 शेयर अलॉट हुए 502 रुपये के दाम पर, आज 417 रुपये के भाव पर भी ये कामकाज कर रहा है, लिस्टिंग 20% नीचे डिस्काउंट पर हुई, लॉस हो रहा है इन्हें, क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, बन रहना चाहिए? और दूसरा, एजुकेशन स्पेस वैसे भी काफ़ी बजिंग रहा नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या करें इस स्पेस में, महंगी वैल्यूएशन की बातचीत भी है।
देखिए सुमित, आपके सभी दर्शकों को ये जो लिस्टिंग गेन का मामला है ना, ये बड़ा पेचीदा मामला है। और पहली बात, अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाए हैं और अगर आपको 16% का नुकसान होता है आपकी पूंजी जो भी लगाई है, तो आपको सोचना चाहिए, गहराई से आत्मचिंतन करना चाहिए कि आने वाले समय में आपको ऐसी हरकत करनी है कि नहीं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी IPO आपको 20-30% का लिस्टिंग के ऊपर मुनाफा दे। और ये पर्टिकुलर स्टॉक CL एडुकेन जो है, ये पूरा सेक्टर के बारे में बात करूंगा सुमित, आप मुझे एक स्टॉक या दो स्टॉक ऐसे दिखाएं जो लंबी अवधि के नज़रिए से निवेशकों को पूंजी बना करके दिए। ज़्यादातर स्टॉक ने तो अंडर परफॉर्म किया है। और ये स्टॉक का जब जो फ्लोर प्राइस था वो इतना महंगा था कि यू नो कोई छोड़ा ही नहीं था चारा निवेशकों को लिस्टिंग गेंस के ऊपर कुछ मुनाफा मिले। तो थोड़ा सचेत रहिए, ऐसे सब IPO में पैसे लगाएंगे, पहले तो आप मूल्यांकन देखें। पैसे लगाने से पहले काफ़ी कुछ आपको मालूमात पब्लिक डोमेन में है रिपोर्ट्स के आधार पर कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, तो आप रणनीति CL एजुकेट में वैसी ही रख सकते हैं जो आपको बताई गई है। लिस्टिंग गेन को अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बताया कैसे आप उसे प्ले कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको 20% घाटा है, तो आप कोई भी तेज़ी आपको मिलती है, मुनाफा मिलता है, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। आज है 31 मार्च, यानी वित्त वर्ष का आखिरी कारोबारी सत्र है। और हर रोज़ इस वित्त वर्ष में जब जब कारोबार होता है, तब तब हम आपको कुछ ना कुछ आंकड़े बताते हैं, कुछ ना कुछ खबर बताते हैं। खबर बताने के लिए अंचल हर बार मौजूद होते हैं और आज भी अंचल मौजूद हैं पूरा आंकड़ों का लेखा जोखा लेकर। अंचल, हर रोज़ आपसे मुलाकात होती है और आज वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, तो क्या आपके पास है, क्या आंकड़े हैं, किस तरह के हालात रहे इस पूरे साल में? शुक्रिया सुमित, मैंने सोचा पूरे वित्त वर्ष में कई सारी खबरें आपको बताई, अब उनका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा रहा उसका आकलन कर लेते हैं। देखिए, पूरे FY17 के दौरान अगर आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, FIs को अगर देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट में एक रिवर्सल ज़रूर आता हुआ दिखा पिछले साल के मुकाबले। इस साल FY17 में खरीदारी की, लेकिन हाईलाइट था मार्च का महीना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्च के महीने में आता हुआ दिखा पूरे वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें सालाना डेटा को, तो पिछले साल 44,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली थी, उसके मुकाबले इस बारी एटलीस्ट करीब 19,000 करोड़ की खरीदारी FIs ने की। DIs के संदर्भ में साल थोड़ा मिला जुला रहा, स्टार्टिंग में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक रोबस्ट बाइंग भी आती हुई दिखी DIs की तरफ से, स्पेशली सितंबर से फरवरी के बीच में काफ़ी अच्छी खरीदारी DIs ने की। जहाँ तक रही बात सालाना आधार पर, अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट DIs के तरफ से आता हुआ दिखा। पिछले साल FY16 के अंदर ऑलमोस्ट 79,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था DIs की तरफ से, जो इस बारी घट के 26,000 करोड़ के आसपास रहा है। अब सबसे अहम चीज़ आती है इंडेक्स का परफॉर्मेंस। देखिए, पूरे बाज़ार में आप कहीं कैसा भी रिटर्न ले लें, लेकिन बेंचमार्क हमेशा इंडेक्स ही करेंगे। निफ्टी ने इस बारी ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया FY17 में, वहीं सेंसेक्स से 17.5% से ज़्यादा का रिटर्न आया। निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 36% का रिटर्न दिया, और वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप से भी 37% 36% का रिटर्न आता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक और छोटे मंझोले शेयरों ने फ्रंट लाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। सेक्टर वाइज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मेटल की तरफ से रही, PSU बैंक से भी ऑलमोस्ट 45% ज़्यादा का रिटर्न दिया। सबसे वीक परफॉर्मेंस IT स्पेस की रही, ऑलमोस्ट 7.5% का नेगेटिव रिटर्न, यानी आपकी पूंजी IT स्पेस में 7.5% कम होती हुई दिखी। और वहीं फार्मा पे प्रेशर रहा। अगर शेयरों की बात करें, निफ्टी में हिंडालको, येस बैंक, मारुति जैसे शेयरों ने शानदार रिटर्न दिया। हिंडालको ने 128% ज़्यादा का रिटर्न दिया, तो वहीं नुकसान हुआ आइडिया सेलुलर पे, भारती इंफ्रा जैसे शेयरों पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ समेत इन सभी शेयरों में है छोटे शेयर जो क्वांटम से चले, कई क्वांटम से। अगर आप स्मॉल कैप गेनर देखिए, फाइबर वेब 973% का गेन FY17 में आया। एशियन ऑयल फील्ड 680% का गेन, मनकसिया ने 635% का गेन दिया। वहीं अगर स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें, तो विसागर पॉली, ग्लोबल ऑफशोर, CCL इंटरनेशनल जैसे शेयरों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। जी, रादर इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट अंचल ने और बताया है कि इस महीने मार्च के दौरान जो FIs की बाइंग है, ये पूरे वित्त वर्ष की FIs की बाइंग से ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो FIs की बाइंग करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि पूरे साल कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं, 19,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जबकि पूरे साल में ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है जो कि 19,000 करोड़ के पार पहुंचा हो। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मार्च की जो बाइंग है वो पूरे वित्त वर्ष से ज़्यादा की जो बाइंग है उससे ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल सभी आंकड़े बताने के लिए, आगे भी हम इन पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी गौरांग से भी हम रादर बातचीत करेंगे। FY17 में कुल 18,000 करोड़ की बाइंग, लेकिन मार्च ही मार्च में महज 19,000 करोड़ रुपये की बाइंग, तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।